चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी पारस जैन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत ने शुभ मुहूर्त के चलते अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस दौरान आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग कार्यालय पहुंचकर नामांकन भरते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन का सामना भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत से भी हुआ, क्योंकि रैली के रूप में दोनों ही भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी यहां निर्वाचन विभाग कार्यालय पहुंचे थे। ऐसे में दोनों का मिलन होने पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई और उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी जो पारसमल जैन है उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेवाड़ी गेट सर्किल से यहां पर रैली के रूप में पारस पंच जो है वो कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। ऐसे में आपको बता दें कि जो कांग्रेस समर्थित मनोज चौहान है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की पहले से घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को वो अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर कांग्रेस के पारस पंच ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है और भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा चुके हैं। तो मुख्य पार्टियों के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। ऐसे में अब चुनावी तस्वीर जो ब्यावर की है वो 9 नवंबर को साफ होगी, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के मुख्य दावेदार जो है उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। कांग्रेस कमेटी ने जो मुझ पर दूसरी बार जो विश्वास जताया है उसकी पालना करते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश की पालना करते हुए आने वाले 5 साल विधायक बनने के बाद ब्यावर के विकास की पूरी पूरी चेष्टा करूंगा, पूरे पूरे प्रयास करूंगा और ब्यावर के विकास के अंदर कोई कमी नहीं रखूंगा। अभी से बाकी उम्मीदवार हाल ही चुनाव लड़ने का सबका अपना अपना अधिकार है और हर व्यक्ति इस मामले में आ जाता है। ब्यावर का विकास कराना, ब्यावर के अंदर UIT खुलवाना, ब्यावर के अंदर सड़क बैकअप खुलवाना, ब्यावर की जो कच्ची बस्तियों की जो सड़कें जो पड़ी जो नहीं बनी हुई है उनको बनवाना, वहाँ नालियों का निर्माण करवाना और ब्यावर के विकास में 4 चांद लगवाना जो पिछले 15 साल से अवरुद्ध पड़े।